नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं क्या न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको कराएंगे समाचारों से रूबरू। मधुबनी जिले में 10 मई से प्रभावित हो सकता है कोविड-19 अभियान कार्य। आयुष चिकित्सक 10 मई से कार्य का बहिष्कार कर सिविल सर्जन कार्यालय मधुबनी में बैठने का लिया फैसला। 24 अप्रैल को आयुष चिकित्सक के प्रतिनिधि मंडल ने सिविल सर्जन से मिलकर वर्धित दर से राशि भुगतान हेतु दिया था आवेदन। राशि भुगतान की प्रत्याशा में आयुष चिकित्सक 3 दिन काला पट्टी लगाकर देंगे कर्तव्य को अंजाम। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सौंपा सिविल सर्जन को ज्ञापन। मांगों का प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से भेजा स्टेट के अधिकारियों को। वर्धित अंतर राशि के साथ ही माह अप्रैल 2020 के वर्धित दर से मानदेय के भुगतान का कर रहे हैं मांग। जिले में आयुष चिकित्सकों की कुल संख्या है 112, जिसमें RBSK के चिकित्सक की संख्या है 54, मैन स्ट्रीम के 58 चिकित्सक हैं कार्यरत। अभी कोविड-19 के तहत कर रहे हैं कार्य। अब सुनिए खबर विस्तार से। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक 126 दिनांक 9 अप्रैल 2020 एवं अमसा मधुबनी के पत्रांक 2 दिनांक 18 अप्रैल 2020 के आलोक में मधुबनी जिला एसोसिएशन ने सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया है। साथ ही मांग पत्र की प्रतिलिपि ईमेल के माध्यम से विभाग के बड़े अधिकारियों को भी भेजा है। मांग पत्र में वर्णित तथ्य में कहा है कि सभी आयुष चिकित्सक मेन स्ट्रीम एवं RBSK का वर्धित मानदेय के अंतर राशि का अविलंब भुगतान करने को कहा है। साथ ही कहा है कि राशि के भुगतान करने की जवाबदेही सिविल सर्जन की थी, परंतु पत्र पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 24 अप्रैल को आयुष चिकित्सक के प्रतिनिधि मंडल ने सिविल सर्जन से मिलकर भुगतान हेतु निवेदन भी किया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चिकित्सकों का कहना है कि आयुष चिकित्सक के वर्धित अंतर राशि के साथ ही अप्रैल महीने के वर्धित दर से रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करने को कहा है, नहीं तो दिनांक 7 मई से 9 मई तक 3 दिन तक प्रत्येक आयुष चिकित्सक अकाउंट में राशि ट्रांसफर होने की प्रत्याशा में काली पट्टी लगाकर कार्य करेंगे। साथ ही कहा है कि 10 मई से सभी आयुष चिकित्सक कार्य का बहिष्कार करते हुए सिविल सर्जन मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठेंगे। कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी एवं आपदा प्रबंधन के दिशा निर्देश के साथ कानून का अतिक्रमण एवं किसी भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होने पर सारी जवाबदेही मधुबनी जिला स्वास्थ्य प्रशासन की होगी। आपको क्या न्यूज का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही से अन्य ग्रुप पे भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।